नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव शंभु। कौन है हमारा परिवार में शत्रु? हमें पता होना चाहिए कि हमारे परिवार में शत्रु कौन है, क्योंकि जब कोई अपना ही हमें धोखा देता है और हमें बाद में पता लग जाता है कि हमारे अपने ने ही हमारे साथ धोखा किया, तब बहुत बुरा लगता है। तब लगता है कि शायद हम गलत थे, हमें पहले क्यों ना पता लगा। तो ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन से लोग हैं जो आपके परिवार में आपके शत्रु हैं? तो उन शत्रुओं को आप जितनी जल्द हो सके उतनी जल्दी पहचान लो, ताकि आप किसी भी परेशानी में फंसने से पहले बच सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये जीवन में धोखे जो आपको बार बार हो रहे हैं, जो आर्थिक रूप से हानि घाटा बहुत बार हो रहा है, और जो चीज़ें बहुत ही खराब और ख़राब होती जा रही है, ये बहुत ज़्यादा डरावनी सी लगती है। और ऐसा भी लगता है कि चीज़ें कब सही होगी। तो हमारे मन में ये प्रश्न तब खड़ा होता है कि कौन है जो हमारे परिवार में शत्रु है, कौन है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आज आप विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से समझ लीजिएगा कि परिवार में आपके शत्रु कौन है, और उन शत्रुओं से हमें कैसे डील करना है, उन शत्रुओं से हमें कैसे बाहर निकलना है। एक बार फिर से आपका सभी का चैनल में बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। और अगर आप चाहते हैं अपने कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चली रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है दोस्तों। सबसे पहला संकेत मिलता है कि अगर आपके कोई भी परिवार के व्यक्ति आपको केवल आपकी तारीफें हमेशा करता हो, किसी भी विषय को लेकर तारीफें करता हो। हर एक व्यक्ति को तारीफें सुनना बहुत पसंद है, लेकिन जो सही और जेन्युइन आपका समर्थक होगा वो आपको अच्छी और बुरी दोनों बातें बताएगा। लेकिन जो आपका शत्रु होगा, जो परिवार में आपका अहित चाहने वाला होगा, वो हमेशा आपको अच्छा 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 ही बोलेगा। और अच्छा बोलने से व्यक्ति गुमराह होता है, उसे सच से वो दूर हो जाता है। और यही लोग बाद में कहते हैं कि मुझे तो पता था लेकिन मैंने नहीं बताया कि तुम्हें बुरा लग जाएगा। तो वो आपके सच्चे हितेशी नहीं है। सच्चे हितेशी वो लोग हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहता है। पर उसके लिए आपको भी वैसा व्यवहार बनाना होगा उस सच को सुनने के लिए, नहीं तो सामने वाला बताए और आप उसको बुरा मान ले और आप उसे शत्रु समझ लें। लेकिन वास्तव में वो लोग आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं जो आपको एक्चुअल सच बताते हैं। दूसरे वो लोग शत्रुता में होते हैं जो कुछ भी हो जाए दोस्तों, आपका अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, जैसा भी हो, आपके बुरे वक्त में जो हमेशा आपके साथ खड़ा होता है, उन लोगों की आप इज्जत करो। और अगर उनके बारे में कोई कुछ कह रहा है तो वो व्यक्ति आपका सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वो चाहता है कि आपके बुरे वक्त में ये आपके साथ खड़ा ना रहे, क्योंकि वो उसे ये बात पता है कि आपको वो व्यक्ति उन हालातों से बाहर कर देगा। तो जो भी उनके बारे में कुछ भी ख़राब चीज़ें कहता है वो बिल्कुल गलत है। वो अपना चीज़ें सीधी करना चाह रहा है, बल्कि वास्तविकता में वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। तीसरा वो सबसे बड़ा शत्रु है जो बार बार आपसे पैसे मांगते रहता है, बार बार आपसे देने का नाम नहीं है, वो सिर्फ चीज़ें लेना चाहता है आपसे। कुछ भी चीज़ें हो बस लेना चाहता है कि ये दे दीजिए वो दे दीजिएगा। तो जो भी आपसे हमेशा लेने की अपेक्षाएं रखते हैं उनसे सावधान रहें, वो आपके शत्रुता की श्रेणी में आते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।